आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेट बैंकिंग के बारे में। इंटरनेट बैंकिंग का मतलब होता है कि आप ऑनलाइन अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं और ऑनलाइन उसमें दिए गए जितने सर्विसेज है उसका आप ऑनलाइन उसका बेनिफिट्स उठा सकते हैं। तो जैसे RD या फ्री अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आप अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, आप इंटरनेट बैंकिंग से किसी भी बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप बिल पेमेंट कर सकते हैं, चेकबुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप चेकबुक किसी को दिए हुए हैं तो उसको स्टॉप कर सकते हैं, आप अपने बैंक अकाउंट में आधार कार्ड पैन कार्ड को लिंक कर सकते हैं, आप डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसको कैंसिल भी कर सकते हैं, उसके लिमिट को घटा बढ़ा सकते हैं। तो आपको इसमें ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है जिससे आप इंटरनेट बैंकिंग से उसको यूज कर सकते हैं। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोज़ पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इंटरनेट बैंकिंग को यूज करेंगे। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा तभी आप समझेंगे किस तरीके से इंटरनेट बैंकिंग को यूज किया जाता है। सो गाइस, इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा तभी आप समझेंगे किस तरीके से आप इंटरनेट बैंकिंग का यूज करेंगे और उस पर जितने भी सर्विसेज दिए गए हैं उसका आप कैसे बेनिफिट्स उठा सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंटरनेट बैंकिंग यूज करने के लिए आप कोई भी ब्राउजर को ओपन करेंगे और इसमें आप अपने बैंक का वेबसाइट डालेंगे। जैसे डालेंगे यहाँ पे SBI और साथ में लिख देना है आपको नेट बैंकिंग। तो साथ में नेट बैंकिंग लिखेंगे तो आपके सामने में ये पहला वाला जो ऑप्शन आएगा यही आपका होगा वेबसाइट। तो यहाँ पर देखिए कि ये आपका SBI का यहाँ पर नेट बैंकिंग का वेबसाइट ये ओपन होके आ गया है। इसी तरीके से अगर आपका अकाउंट HDFC बैंक में है तो यहाँ पर डालेंगे HDFC बैंक और साथ में डाल देंगे आप नेट बैंकिंग। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने जो पहला वाला ऑप्शन आएगा तो यहाँ पर देखिए कि आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन मिलेगा, यहाँ कंटिन्यू टू है नेट बैंकिंग, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना यूजर आईडी कस्टमर आईडी डाल के यहाँ से लॉगिन करके आप ओपन हो सकते हैं नेट बैंकिंग में, बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो यहाँ पर डालेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा और नेट बैंकिंग। बैंक ऑफ बड़ौदा डालने के बाद नेट बैंकिंग डालने के बाद पहला वाला जो ऑप्शन आएगा यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग वाले पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो वेबसाइट आएगा वो होगा बैंक ऑफ बड़ौदा का नेट बैंकिंग का वेबसाइट। यहाँ पर देखिए कि ये वेबसाइट ओपन होकर आ गया है। अपना यूजर आईडी और यहाँ पे जो है पासवर्ड डाल के यहाँ से लॉगिन आप कर सकते हैं। सो आपका अकाउंट जो भी बैंक में हो वो आप बैंक का नाम डालेंगे और साथ में डालेंगे नेट बैंकिंग तो वो बैंक आपके सामने में इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। जैसे मेरा है SBI में तो यहाँ पर देखिए मैं बैंक का नाम डाला और साथ में डाला हूँ नेट बैंकिंग तो मेरे सामने में इस तरीके से ये ऑप्शन होके आ चुका है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाता है, पर्सनल बैंकिंग और यहाँ पर कॉरपोरेट बैंकिंग। पर्सनल बैंकिंग का मतलब ये होता है कि आप इसमें सेविंग अकाउंट सैलरी अकाउंट आप इसमें ओपन करा सकते हैं और यहाँ पर है कॉरपोरेट बैंकिंग, आप इसमें जो है कंपनी का अकाउंट और फॉर्म अकाउंट यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ सेविंग अकाउंट है तो मैं यहाँ पे लॉगिन वाले पे मैं क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने में कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब यहाँ कंटिन्यू टू लॉगिन वाले पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे अपना यूजर नेम पासवर्ड और यहाँ पे ये कैप्चा है, कैप्चा आपको इसमें डालना है। कैप्चा समझ में नहीं आता है तो कैप्चा को इस तरीके से आपको रिफ्रेश कर देना है और कैप्चा आपको यहाँ पर डालना है। ये आपको यूजर नेम और पासवर्ड आपको बैंक की तरफ से भी मिल जाता है और आप इसको खुद से भी जनरेट कर सकते हैं। ये यूजर नेम और पासवर्ड आपको बैंक की तरफ से मिल जाता है और आप इसको खुद से भी जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना यूजर नेम पासवर्ड या कैप्चा इसमें डालेंगे, इसके बाद यहाँ से आपको कर देना है लॉगिन। लॉगिन होते ही आपके सामने में कुछ इस तरीके से आपको यूजर इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर देखिए वन टाइम पासवर्ड है जो आपके बैंक में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर आपको मैसेज आया होगा, वो आपको यहाँ पे वन टाइम पासवर्ड डाल देना है। यहाँ पासवर्ड को चलिए हम यहाँ पर नो थैंक्स बोल देते हैं, नहीं सेव करते हैं। तो आपके मोबाइल पर आया होगा वो पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद सिंपली यहाँ पर सबमिट वाले पे क्लिक करके आप इसको ओके कर लेंगे। यहाँ पर देखिए कि आपके सामने में कुछ इस तरीके से आपका जो है नेट बैंकिंग का ये पेज ओपन होके आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए मेन्यू में आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है जहाँ से आप इसका ऑनलाइन बेनिफिट उठा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि आपका जो है अकाउंट नंबर आ गया, ब्रांच आ गया, यहाँ पर आप क्लिक करके आपका बैलेंस चेक
कर सकते हैं कि आपका कितना बैलेंस है। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि आप लास्ट 10 ट्रांजेक्शन तक आप इसमें देख सकते हैं कि आपके पैसे कहाँ गए हैं और कहाँ से आए हैं। यहाँ पर देख रहे हैं माई अकाउंट एंड प्रोफाइल का ऑप्शन, यहाँ पर आप अपना अकाउंट का समरी भी ले सकते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका ऑप्शन मिल जाता है अकाउंट स्टेटमेंट, तो इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आपको इस तरीके से ये ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है। ये आपका अकाउंट स्टेटमेंट है। कहीं कहीं जगह पर होता है कि आपका अकाउंट स्टेटमेंट है जो आपके एड्रेस प्रूफ के तौर पर भी मांग दिया जाता है, तो ये आपका बहुत ही काम का भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए कि अपना अकाउंट का स्टेटमेंट निकालने के लिए यहाँ पे आप देखिए कि आप डेट वाइज भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कब से कब तक का निकालना चाहते हैं वो डेट आप यहाँ पर डालेंगे, और कब कौन सा डेट तक आप निकालना चाहते हैं वो डेट आपको यहाँ पे डाल देना है। मंथ का निकालना है तो इस वाले पे क्लिक करेंगे और ईयर चूज कर लेंगे कौन सा ईयर का निकालना चाहते हैं, और यहाँ से आप मंथ चूज कर लेंगे कौन सा मंथ का निकालना चाहते हैं। इसके बाद लास्ट 6 मंथ का आप निकालना चाहते हैं तो इस वाले पे क्लिक करके आप लास्ट 6 मंथ तक का अपना स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं फाइनेंशियल ईयर का, तो आप फाइनेंशियल ईयर पर क्लिक करके आप इसका भी निकाल सकते हैं। इस पर क्लिक करके 2018 से 19, 19 से 20 और 20 से 21 तक के भी आप स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। जैसे हमको लास्ट 6 मंथ का निकालना है तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर आप जो है अपना स्टेटमेंट देखना चाहते हैं तो भी वाले पे क्लिक कीजिएगा। अगर आप अपना स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आपको मिल जाता है एक्सेल और यहाँ पे पीडीएफ। तो आप कौन सा फाइल में डाउनलोड करना चाहते हैं वो आपको इसमें से चूज कर लेना है। जैसे हम चाहते हैं पीडीएफ में डाउनलोड करूँ तो मैं यहाँ पीडीएफ वाले पे क्लिक करूँगा या मैं यहाँ पे गो वाले पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरा डाउनलोड हो गया है। मैं इस पे डबल क्लिक करके मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि मेरे जो है ये जो है स्टेटमेंट है, और मेरे यहाँ पे अब शो कर रहा है कि मेरे पैसे कहाँ से कितने आए हैं और कहाँ पे कितने गए हुए हैं। सो आपका पूरा 6 महीने का स्टेटमेंट है जो आपको यहाँ पे इस तरीके से आपको शो कर देता है, जैसे अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे। इसी तरीके से अकाउंट समरी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख रहे हैं कि लास्ट 10 ट्रांजेक्शन तक आप देख सकते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपने पिछले 10 ट्रांजेक्शन देख सकते हैं कि कहाँ से पैसे आए हैं और कहाँ पर आपके पैसे गए हैं। तो वो पिछले 10 ट्रांजेक्शन आप यहां से देख सकते हैं। इसी तरीके से यहां पर दूसरा ऑप्शन आपको मिल जाता है मेन्यू में पेमेंट एंड ट्रांसफ़र का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि आपको कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्विक ट्रांसफ़र, आप 10,000 रुपये तक यहाँ इस क्विक ट्रांसफ़र से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 10,000 रुपये से ज़्यादा आप जो है क्विक ट्रांसफ़र से बैंक में पैसे किसी को भी नहीं सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 10,000 से ज़्यादा पैसा भेजना चाहते हैं तो यहाँ पर बेनिफिशियरी आपको ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर देख रहे हैं ऐड बेनिफिशियरी, आपको यहाँ से जाके बेनिफिशियरी को ऐड करना पड़ेगा। जैसे आपको किसी को 10,000 रुपये तक भेजना है तो यहाँ पर क्विक ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जिसको भी आप पैसा भेजना चाहते हैं उसका यहाँ पे बेनिफिशियरी का नाम डालेंगे, उसका अकाउंट नंबर यहाँ पे डालेंगे, अकाउंट नंबर को दोबारा से आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आप जो बेनिफिशियरी है उसका अकाउंट SBI में है तब तो आप ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। अगर उसका अकाउंट अदर बैंक में है तब यहाँ अदर बैंक ट्रांसफ़र है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अगर उसका जो है SBI में है तो आपको यही वाला चूज करना है। यहाँ पे आप अमाउंट डालेंगे कि आप कितना पैसा भेजना चाहते हैं, तो चलिए मैं यहाँ पे अमाउंट डाल देता हूँ। इस तरीके से यहाँ पे आप पर्पज़ चूज़ कर लेंगे कि आप पैसा कौन से पर्पज़ से आप उसको सेंड करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ गिफ्ट, इसके बाद टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पे सबमिट वाले पे इसको क्लिक कर देना है। सबमिट करते ही आपके सामने में कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है, यहाँ पर आपका पूरा डिटेल आ जाता है। इसके बाद यहाँ कन्फर्म वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके मोबाइल पर यहाँ पर हाई सिक्योरिटी पासवर्ड गया हुआ, वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे मेरे केस में यहाँ पे सिक्योरिटी पासवर्ड आ गया है, मैं यहाँ पे सिक्योरिटी पासवर्ड यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। आपके मोबाइल पर जो पासवर्ड आया है पासवर्ड यहाँ पर डाल के यहाँ पे आपको जो है कन्फर्म वाला है, कन्फर्म वाले पे आपको कन्फर्म कर देना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप जिसके अकाउंट पर पैसा भेजे हैं उसके अकाउंट पर पैसा यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया है, आपके अकाउंट से कट के उसके अकाउंट में यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया है। और यहाँ पर देखिए कि लिखा के आ रहा है फंड्स हैव बीन ट्रांसफ़र सक्सेसफुली। सो इस तरीके से गैज आप जो है किसी के भी अकाउंट पे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं, तो यहाँ प्रिंट वाले पे क्लिक करेंगे और अपने रिकॉर्ड के लिए यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके, अगर आपके प्रिंटर अटैच है तो यहाँ पे प्रिंट निकाल लीजिएगा, अगर आपके सिस्टम में प्रिंटर अटैच नहीं है तो आप अपने इसको सेव करके रख लीजिए अपने रिकॉर्ड के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है, मैं डेस्कटॉप चूज करूँगा और मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ पैसा, तो मैं पी डाल के यहाँ मैं इसको सेव कर लूँगा। सो इस तरीके से गाइस आप बहुत ही आसानी से इसको भी प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं। ये तो बात हो गई कि आप क्विक ट्रांसफ़र से 10,000 रुपये तक आप
किसी को भी कैसे भेजेंगे। तो आप क्विक ट्रांसफर से आप 10,000 रुपये तक आप किसी को भी भेज सकते हैं, लेकिन अगर आपको 10,000 रुपये से ज़्यादा भेजना हो तो आप क्या करेंगे। तो इसके लिए यहाँ फिर चलेंगे, यहाँ पेमेंट्स एंड ट्रांसफर है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा, यहाँ पर देख रहे हैं कि ऐड एंड मैनेज बेनिफिशियरी है। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, एक बेनिफिशियरी को आपको इसमें ऐड करना है। बेनिफिशियरी ऐड करेंगे तभी आप उसको 10,00,000 रुपये तक भेज सकते हैं, ठीक है। तो पहले क्या करना है, आपको बेनिफिशियरी ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं प्रोफाइल पासवर्ड, ये भी आपको बैंक के तरफ से ही दिया जाता है। तो चलिए हम यहाँ पे अपना प्रोफाइल पासवर्ड डाल लेते हैं। प्रोफाइल पासवर्ड डालने के बाद यहाँ सबमिट वाले पे क्लिक करके आप इसको ओपन कर लीजिए। जी चलिए हम यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए अगर आपका अकाउंट SBI में है तब तो आप यहाँ से SBI बेनिफिशियरी पे क्लिक करके आप यहाँ से बेनिफिशियरी को ऐड कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट या किसी का भी अकाउंट दूसरा बैंक में है तब तो आप यहाँ पे अदर बैंक बेनिफिशियरी पे क्लिक करके आप यहाँ से बेनिफिशियरी को ऐड कर सकते हैं। अगर कोई भी पर्सन नेपाल में है तो यहाँ पर देख रहे हैं इंडो और नेपाल बेनिफिशियरी। अगर आपका कोई भी रिश्तेदार है नेपाल में है तब तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इंडो नेपाल बेनिफिशियरी, इस पर क्लिक करके आप जो है ऐड कर सकते हैं नेपाल के बेनिफिशियरी को। तो यहाँ पर न्यू ऑप्शन आया हुआ तो आप यहाँ पर देख सकते हो। आपका कोई भी रिश्तेदार है नेपाल में तो आप बहुत ही आसानी से बेनिफिशियरी ऐड करके उसको पैसे भेज सकते हैं। तो इस पर क्लिक करें, यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ नेपाल बेनिफिशियरी वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको चूज करना है NSBL और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से आ जाता है। यहाँ पे अकाउंट नंबर डालेंगे, ब्रांच डालेंगे नेपाल का, यहाँ पे ब्रांच एड्रेस डालेंगे, बेनिफिशियरी का फुल नाम डालेंगे, बेनिफिशियरी का एड्रेस डालेंगे, यहाँ से बेनिफिशियरी का फ़ोन नंबर डालेंगे, इसमें कोड डालेंगे और इसमें मोबाइल नंबर डालेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ईमेल आई डालेंगे, इसके बाद यहाँ प्लेस डालेंगे, जहाँ पर रहता है वहाँ, जैसे नेपाल है तो यहाँ प्लेस डालेंगे नेपाल, ठीक है। और बेनिफिशियरी का डेट ऑफ बर्थ डाल के यहाँ पर रजिस्टर कर लेना है और इसको बहुत ही आसानी से आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन वो पर्सन इंडिया में ही है तो आप बहुत ही आसानी से उसका अकाउंट जो SBI में है तो यहाँ पर आप जो है SBI बेनिफिशियरी के तौर पे ऐड कर सकते हैं। अगर उसका अकाउंट दूसरा बैंक में है तो यहाँ पे अदर बैंक बेनिफिशियरी आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे नाम डालेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे, अकाउंट नंबर को दोबारा से कन्फर्म करेंगे, एड्रेस आप चाहे तो यहाँ पे डाल भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप पैसे डालेंगे, कितने पैसे तक आप उसको भेजना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पे IFC कोड चूज करेंगे, इसके बाद यहाँ पे IFC कोड डालेंगे, इसके बाद टर्म को एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे सबमिट वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट वाले पे क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल पे OTP आएगा, OTP आपको डाल के सबमिट कर देना, ये 4 घंटे के अंदर अंदर में एक्टिव हो जाता है। जैसे यहाँ पे आपको लिखा भी आ रहा होगा, यहाँ पे देखिए एक्टिवेट ऑन सेम डे इन 4 आवर्स। तो इस तरीके से आप बेनिफिशियरी ऐड कीजिएगा तो आपको 4 घंटा में यहाँ पे बेनिफिशियरी ऐड हो जाएगा। चलिए मैं आप बता देता हूँ कि अगर आपका अदर बैंक में अकाउंट है, अगर आप बेनिफिशियरी ऐड कर लिए हैं तो उसको आप कैसे पैसे भेजेंगे। अगर आपने बेनिफिशियरी को ऐड कर लिया है, अगर उसका अकाउंट SBI में है तब तो आप यहां से जाके उस पर्सन को आप पैसे भेज सकते हैं 10,000 से ज़्यादा। अगर उसका अकाउंट कोई दूसरा बैंक में है तब तो आप यहां से देख रहे हैं कि अदर बैंक ट्रांसफ़र, आपको इस वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहां पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहां पे पहला है IMPS जो सबसे फास्ट होता है, तो आपको इस वाले पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहां पे प्रोसीड वाले पे आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड वाले पे क्लिक करते यहां पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाता है कि आप कौन से मेथड से आप पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। पहला है IFC कोड और दूसरा है MMID कोड। तो हम पहले वाले ऑप्शन को चूज़ करते हैं, यहां प्रोसीड वाले पे क्लिक करते हैं। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहां पे आपको ये ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है। यहां पे आपको अमाउंट डालना है कि आप कितने पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। जैसे हमको 10 रुपये ट्रांसफ़र करने हैं तो मैं यहां पे डालूंगा 10 और यहां पे आपको पर्पस चूज कर लेना है कि आप कौन से पर्पस से पैसे भेजना चाहते हैं। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ गिफ्ट। इस तरीके से आपके पास जो भी बेनिफिशियरी को ऐड किए रहिएगा वो आपके सामने में यहाँ पे आ जाता है। जैसे मेरे पास यहाँ पे बेनिफिशियरी ऐड है तो यहाँ पे आ चुका है। चलिए मैं इस बेनिफिशियरी को चूज कर लेता हूँ। इसके बाद टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे सबमिट वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से आपका ये ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है। यहाँ कन्फर्म वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे सिक्योरिटी पासवर्ड गया होगा, वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद सिंपली कन्फर्म वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे कन्फर्म वाले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए कि आप इस पर्सन को पैसा भेजे हैं तो आपके अकाउंट से कट के इस पर्सन के अकाउंट में पैसे यहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुके हैं, उसके अकाउंट में पैसे जा चुके हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आप कौन से मेथड से भेजे हैं, वो मेथड आपको यहाँ पे लिखा के आ रहा है और पैसे भेजे हैं तो यहाँ पे सक्सेसफुली का लिखा के आ रहा है। बहुत ही आसानी से बेनिफिशियरी को ऐड करके आप उसको पैसे भेज सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पे मेन्यू में आ जाता है बिल पेमेंट का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे आप जो है पेमेंट हिस्ट्री देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे व्यू बिल पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे SBI प्रीमियम देख सकते हैं और यहाँ पे UPI रिचार्ज भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ फिक्स डिपोजिट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को फिक्स डिपोजिट कर सकते हैं। इसके अलावा ई टैक्स का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे जो है आप अपना गवर्नमेंट ई टैक्सेस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा भैया आपको एक ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है ई सर्विसेज का, यहाँ पे आप ATM कार्ड ले सकते हैं। तो यहाँ पे ATM कार्ड सर्विस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से अपना ATM कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं, यहाँ पे ATM कार्ड की लिमिट चेक कर सकते हैं, यहाँ पे पिन जनरेट कर सकते हैं और यहाँ पे आप डेबिट कार्ड के लिए आप नया अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि न्यू ATM कार्ड को एक्टिवेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ PPA अकाउंट भी एक्जीक्यूटिव कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं SMS अलर्ट सर्विस का, इस पर क्लिक करके आप अपना SMS सर्विस भी अलर्ट कर सकते हैं। यहाँ मोर वाले पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते यहाँ पे और भी आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है जिसका आप जो है सर्विस का लाभ यहाँ से उठा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरीज का, इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर देखिए न्यू PPA अकाउंट के लिए आप यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं और उसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ मोर वाला ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे और भी आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन हैं, तो आप इस सब का यहाँ से लाभ यहाँ से उठा सकते हैं। तो यहाँ से देख रहे हैं आप अपनी चेकबुक के लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, तो इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ चेकबुक रिक्वेस्ट है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नंबर ऑफ चेक, कितना चेक लेना चाहते हैं, एक लेना चाहते हैं, दो लेना चाहते हैं, वो आपको यहाँ से चूज कर लेना है। कितने पेजेस का लेना है आपको इसमें से चूज कर लेना है। तो सबमिट करने के बाद आपके एड्रेस पर चेकबुक आ जाएगा। इसके साथ यहाँ पे देख रहे हैं कि आप यहाँ पे ऑनलाइन नॉमिनी अगर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ऑनलाइन नॉमिनी भी ऐड कर सकते हैं। अपने पैन कार्ड को अपने बैंक अकाउंट से लिंक करने के लिए यहाँ पे ई सर्विस में आएंगे, यहाँ मोर वाले पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको ऑप्शन मिल जाता है पैन रजिस्ट्रेशन का, तो अपने अकाउंट में यहाँ पैन कार्ड को लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे देख रहे हैं कि यूजफुल लिंक है, यहाँ पे SBI लोन ले सकते हैं, गोल्ड लोन ले सकते हैं, तो यहाँ पे और भी आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है। सो गाइस यहाँ पे देखा कि किस तरीके से यहाँ पे आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो इंडिया में है तो इंडिया में भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, SBI बैंक में है तो SBI बैंक में, या अदर बैंक में है तो अदर बैंक में भी आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाया हूँ न्यू ऑप्शन है, जो नेपाल में आपका कोई रिश्तेदार है, कोई फ्रेंड है, कोई दोस्त है, अगर आप उसको पैसा भेजना चाहते हैं तो आसानी से आप बेनिफिशरी पहले ऐड कर लीजिए और नेपाल में भी आप पैसे उस पर्सन को भेज सकते हैं। तो यहाँ पे न्यू ऑप्शन भी दिया हुआ है, यहाँ पे आप डेबिट कार्ड नया मंगवाना चाहते हैं तो नया डेबिट कार्ड मंगवा सकते हैं, या उसके लिमिट को भी आप चेंज कर सकते हैं, पिन जनरेट भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आप जो है नया चेकबुक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बिल पेमेंट वगैरह भी आप कर सकते हैं और आप जो है इसका स्टेटमेंट भी आप निकाल सकते हैं और कहीं भी एड्रेस प्रूफ के तौर पे लगा सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।